से एनिमल्स पर किस तरह के डॉक्यूमेंट्री बनाए जाते हैं, तो ज्यादा आपको नट कहते हुए मैं सिद्धार्थ पावर प्रेजेंट के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास कौन से एनिमल पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ इसका हैबिटेट है और कहाँ कहाँ तक इसका रेंज है। वी हैव इन द डार्क, आप लोगों को पता है हमारे पास कितने बर्ड स्पीशीज है, किसी को कुछ आइडिया है? कभी किसी ने सोचा है हमारे पास कितने स्पीशीज है? दो स्पीशीज कम पाए गए और देखा नहीं गया, उसका उससे पहले रिकॉर्ड था। लद्दाख हम कहते हैं फ्रेजाइल इकोसिस्टम, यूनिकनेस, अब लोगों ने कभी सुना है लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है, ये वो, हम इसके हिसाब से देख सकते हैं। हमारे पास एक तरफ से बैरन लैंड है, एक तरफ से आपको पता चलेगी की मेडिसिनल प्लांट कितने, ऑलमोस्ट 600 समथिंग हमारे पास मेडिसिनल प्लांट है। उस फील्ड में हम लोग सीखने को मिलेगा और आप लोगों को जानने को मिलेगा की लद्दाख में क्या हो। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ बात करें तो जो हम लोग बीच में एक इंसिडेंट हुआ था कि मुझे मार दिया गया था जब दोनों के बीच में अटैक हुआ था डेमो ने, तो इस तरह की इंसिडेंट को थोड़ा बहुत हम लोग बचाए कि हमें एक रीज़न होने की क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है। लद्दाख में एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, जो ये कुछ देखा उन्हीं का शौक होता था कि अब उनको थोड़ा अच्छा लगे कि पता क्या चीज़ है। डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, बट we human beings, we have also, we should play our role properly. We have also some responsibilities which we have to perform in a better way if we really want to maintain an ecological balance. To save the animals, to protect the animals of our region, because as we have now observed, we have seen in this workshop that we have बढ़े जा रहे हैं। अब लोगों ने देखा होगा डेमो अटैक करते, चनार के अटैक करते, शंकुआ के अटैक करे, उसका कुछ ना कुछ रीजन। मेरा नाम कनीज फातिमा है और मैं करगिल से हूँ, तो आज मैं यहाँ टर कोचिंग के लिए आती हूँ। आज यहाँ पे टर क्लास के लिए आई थी, फिर यहाँ पे इन्होंने WWF जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लद्दाख में कितने सारे अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं। ये इनके इंफॉर्मेशन हमें आज ही मिला कि हमारे जो है लद्दाख में कितने अच्छे बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, इससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिले। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम इन्होंने आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, ये हमें इससे आगे भी हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें ताकि हम सबको ये पता चले कि हमारे लद्दाख में कितने अच्छे बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, आज जो यहाँ पे जो प्रोग्राम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ हुआ हमारे एकेडमी में, जो WWF ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था एक्चुअली। इससे बच्चों को बहुत वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला। तो देखिए, जो बच्चे मैक्सिमम यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे, उनको पता नहीं था आजकल इतने डाइवर्सिटी के बारे में, एनिमल स्पीशीज़ के बारे में। तो आज WWF के प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे बच्चे अवेयर हो गए और इनफैक्ट कुछ बच्चों में तो शौक भी जाग गया कि वो इसी को एज ए करियर वो चूज़ करें, चुने। तो ये बच्चों के लिए आगे जो है बहुत ही, एक तो देखिए यंगस्टर्स को अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हैं और बिकॉज ऑफ शायद हंटिंग की वजह से या हमारे नॉन केयरलेसनेस एटीट्यूड की वजह से भी हैं। तो अब अगर हमारे यंगस्टर्स अवेयर हो जाएँ तो एक तो प्रोटेक्शन करेंगे वो हमारे वाइल्ड स्पीशीज़ की, हमारे वाइल्ड एनिमल्स की, तो ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। तो उसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं इसको एज ए करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं और इसके ज़रिए वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने से या बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स अगर हम प्रोटेक्ट करें तो इससे हमारा जो इनकम जनरेशन में भी काफ़ी हमें मदद मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे जो रिसर्चर्स वो आएंगे डिफरेंट बर्ड्स को देखने या डिफरेंट एनिमल्स को देखने के लिए। WWF के जो इनिशिएटिव्स है कारगिल में, वारा लद्दाख में, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ किया गया कि बच्चों को कि WWF व्हाट बर्ड WWF एक्चुअली डूइंग इन कारगिल फॉर कंजर्वेशन द वाइल्ड लाइफ। सो ये बच्चों को थोड़ा बहुत, और एक चीज़ था कि बच्चों को यहाँ की कौन सी स्पीशीज पाए जाते हैं,
कौन से बर्ड्स के स्पेशीज पाए जाते हैं और कितने नंबर्स में पाए जाते हैं। ये पहला विंटर्स का पहला वर्कशॉप था, तो हमारे ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा था कि हम लोग बच्चों को क्या लद्दाख में और क्या कारगिल में हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए एक मेन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। देखो सर, हमारा जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था प्रेजेंटेशन में, हमारा स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में लोकल लोगों के साथ हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो लेकिन वो पूरा रेंज नहीं फैल जाते हैं, एवरी कॉर्नर ऑफ कारगिल नहीं पहुँचते। लेकिन हमारा मकसद ये रहेगा कि बच्चे जो आज इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे इस वाइल्ड लाइफ के बारे में, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन था वाइल्ड लाइफ के बारे में, वो कह सकते थोड़ा बहुत वीक था बच्चे वाइल्ड लाइफ के बारे में, लेकिन थोड़ा इससे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं अच्छा हो जाएंगे। देखो WWF हमेशा से सपोर्ट करते हैं, जो लोग WWF वॉलेंटियरली काम करते हैं, ये वॉलेंटियरली काम करने के लिए आते हैं, या WWF जो MSc डिसर्टेशन के लिए बच्चों को देते हैं, हर साल दो लोग कारगिल में या लेह में हमेशा से आता है कि MSc जो वाइल्ड लाइफ में कर रहे हैं उनको WWF हमेशा से सपोर्ट करते हैं।